हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है दूर का दर्शन। कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां पर हमें नजर आते हैं सुनील और उसकी फैमिली। सुनील की मॉम है जो कि 30 सालों से कोमा में। खैर सुनील की एक वाइफ भी है जिसके साथ उसकी बनती नहीं, तो इसी वजह से उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहती है। खैर सुनील के दो बच्चे भी है, बड़ा बेटा सनी जो कि अभी कॉलेज में है, लेकिन वो कॉलेज में पढ़ाई कम और मस्त राम की मैगजीन ज्यादा पढ़ता है। खैर कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब सुनील की मॉम को 30 साल बाद होश आता है। अब इसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी मूवी बनी जो काफी लोगों ने नहीं देखे। ऑल्दो ये मूवी 4-5 महीने पहले ही रिलीज हो चुकी है, लेकिन तब उसको इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं मिली थी। लेकिन अब जब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक मैक्सिमम ऑडियंस इस मूवी को देख सकती है। इस मूवी में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर आपको थ्रू आउट द मूवी कॉमेडी देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी जगह भी इस मूवी में है जहां पर आपको काफी इमोशनल चीजें देखने को मिलेगी और आप वो सब चीजें फील भी कर पाओगे। उसके अलावा इस मूवी में जब वो लोग 90s के दौर को रिक्रिएट करते हैं, यानी कि वो सारी चीजें करते हैं, अब वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, तो वो सब कुछ तो आपको इस मूवी में ही देखने को मिलेगा जो कि इस मूवी का हाईलाइट है। उसके अलावा यहाँ पर अगर कैरेक्टर्स की बात करूं तो हर एक कैरेक्टर यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि मानो आप लोग जब इस मूवी को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ यार वाकई में हम लोग इस तरीके के कैरेक्टर को जानते हैं। उसके अलावा मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं तो हर एक एक्टर ने यहाँ पर अच्छा काम किया, चाहे वो मनु ऋषि हो, चाहे वो माही गिल हो, चाहे वो हमारा गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो परपेंडिकुलर हो, यानी कि हर एक एक्टर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही मेहनत से काम किया है। मूवी का डायरेक्शन भी जो बहुत अच्छा लगा, एंड में जो डायरेक्टर ने जो मैसेज देने की कोशिश की है कि 90s के दौर में क्या कुछ होता था और आज 2020 में जब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो एक रिलेशनशिप थे जो 90s में जो हम एक दूसरे के लिए सोचते थे फील करते थे वो कहीं ना कहीं खो सा गया, तो वो इस मूवी में जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मूवी की एडिटिंग भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये मूवी 1.5 घंटे या 1.5 घंटे की होती तो वो ज्यादा अच्छी होती। मूवी में आपको जो सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सॉन्ग्स इतने ज्यादा अच्छे तो नहीं लगे, मगर ठीक ठाक है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से वो सारे सॉन्ग्स को पिक्चराइज भी किया और सारे सॉन्ग्स अपनी अपनी जगह पे फिट भी बैठते। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 4/5। अगर आपने इस मूवी को अभी तक के नहीं देखा है तो यार किसका वेट कर रहे हो, जाओ नेटफ्लिक्स पे, ये आपको हिंदी में देखने मिल जाएगी। ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।